आज है 4 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है एक स्कीम है श्रेष्ठा। श्रेष्ठा का मतलब है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, ये एक एक तरह का स्कूल बनाए गए हैं जो बहुत पुअर सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्कूल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक हेरिटेज सेंटर खोला जाएगा एयरफोर्स के लिए, जिन्होंने एयरफोर्स ने जो भी अलग अलग वॉर्स में अपने मतलब पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, उसके लिए एक सेंटर हेरिटेज सेंटर खोला जाएगा चंडीगढ़ में। ठीक है, इसका नाम रहेगा IAF हेरिटेज सेंटर। उसके बाद मेघालय गवर्नमेंट की इनिशिएटिव थी ई प्रपोजल सिस्टम, जिसको यूएन का वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम अवार्ड मिला है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर है एनसीसी ने कैंपेन लॉन्च किया है पुनीत सागर अभियान। ठीक है, ये वो हर साल लॉन्च करते हैं, अभी लॉन्च किया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तक, इनका चलेगा मतलब 5 जून तक। ठीक है, और ये कैंपेन पुनीत सागर अभियान जो स्पेशली जो सी शोर्स या बीचेस होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, ठीक है, इसके अलावा जो नदियाँ और झील तालाब होते हैं उनको भी क्लीन करने के लिए, खासकर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन या और वेस्ट है वहाँ पे उनको क्लीन करने के लिए ये कैंपेन चलाया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है कि जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हैं उनके लिए मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन होगा 1 किलोमीटर का। ठीक है, उनकी जो डिमार्केटेड बाउंड्री है उससे 1 किलोमीटर तक का वो इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से भी उनको एक शॉक शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज़ किया जाता है जो भी इको सेंसिटिव जोन होते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और प्रसार भारती इस चीज़ की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि जो मल्टीमीडिया मोबाइल फोन्स होते हैं उस पर मल्टीमीडिया कंटेंट कैसे बिना इंटरनेट के भेजा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है डायरेक्ट टू मोबाइल। ठीक है, डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, ये जैसे हम रेडियो सुनते हैं, ठीक है, हमें किसी नेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट हमारे फ़ोन पे आता है या टीवी होता है। ठीक है, उस तरह से ये उसको बनाने की सोच रहे हैं। फिर है दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे RFID लगा के चेक किया जाएगा। ठीक है, RFID जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या एक वायरलेस टेक्निक है। इसमें ट्रांसपॉन्डर, रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर एक RFID टैग लगा होता है और जो रीडर होता है वो हमेशा एक मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी और चारों तरफ फेंकता रहता है, और जो भी ऑब्जेक्ट जिसपे RFID लगा है वो उसको रीड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और ई संजीवनी ने अभी इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, जो भी ई संजीवनी के जो भी बेनिफिशियरी थे अब वो आसानी से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में अपनी ID बना सकते हैं, जो आभा IDs कही जाती हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, वो आसानी से अपना अकाउंट बना सकेंगे। उसके बाद एक मीटिंग हुई इंडिया और इस यूनाइटेड स्टेट के बीच में, ट्रेड पॉलिसी फोरम, ये नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन सभी हाउस होल्ड को पाइप वाटर प्रोवाइड करना था 2024 तक, ये शुरू हुआ था 2019 में, अगस्त 2019 में। उसके बाद IIM अहमदाबाद ने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है, एग्रीकल्चर प्राइस, एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इनके हिसाब से ये एक बेंचमार्किंग होगा, मतलब जैसे किसी को अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसको रियल इस्टेट में कन्वर्ट करना है तो वो इसके साथ इसकी मदद ले सकते हैं, उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी प्राइसेस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में स्पेशल हेल्थ केयर अभियान जिसका नाम है आंचल, वो लॉन्च किया गया। उसके बाद यूपी में इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुआ, और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक कभी मतलब डील साइन की है, या डील सेटलमेंट था एक तरह से, वहाँ की एक ट्राइब है ब्लैकफुट ट्राइब। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाता है, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स में था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने इनकी ज़मीनें ली थी इस ट्राइब की। ठीक है, और ये कई साल पहले की बात है। ठीक है, और उनका क्लेम था उनकी ज़मीनों पर, तो अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनसे $1 बिलियन की डील की है।
उसके बाद यूएस में एक लेडी को 3D प्रिंटेड ईयर लगाए गए हैं, ठीक है। वो जो ईयर था वो उसके अपने ही सेल से बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद स्टॉकहोम प्लस 50, ये एक कॉन्फ्रेंस है जो स्टॉकहोम में हुई। ये जो 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी उसको मार्क करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसकी थीम एक तरह से कह सकते हैं स्टॉकहोम प्लस 50, अ हेल्दी प्लानट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद मेटा, मेटा जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की, उसने एक एम्बर अलर्ट अनाउंस किया है इंस्टाग्राम पे, जो कि हेल्प करेगा मिसिंग चिल्ड्रन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद तुर्की ने अपना स्पेलिंग चेंज किया है, उसको तुर्की मतलब TURKIYE अब नाम रखा है, मतलब स्पेलिंग रखी है, ठीक है। इसको यूनाइटेड नेशन में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में एक बे है, शार्क बे, वहाँ पे ये खोजा गया है। 180 किलोमीटर का सी ग्रास है, ठीक है, और ये इसको रिबन वीट या पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसके लिए 2018 में UNGA में रेजोल्यूशन पास किया गया था, इसमें बाइसिकल चलाने के फायदे बताए गए थे, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।